नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं डेली डिफॉल्ट सावन लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। 2024 का चुनाव और चुनाव के लिए अभी से पिछड़ी सियासी बिसात पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या धर्म की राजनीति, क्या जातीय समीकरण, चुनाव के लिए ऐसे ऐसे एजेंडे जिसके बारे में अगर आम जनता सुने तो उसका पहला रिएक्शन यही होगा कि क्या ये राजनीति कर रहे हैं। अगर वास्तव में इन राजनेताओं को जनता के मुद्दों पर ध्यान देना है तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आम जनता के लिए जातिगत वाद विवाद भी बड़ी चीज है, क्योंकि छोटे छोटे गांव और कस्बों में इन्हीं जातियों के फैक्टर को देखकर जनता वोट करती है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सात से भी एक कम बचा हुआ है, तो विपक्षी दल मोदी लहर को भी कमजोर करने के लिए अपने पीडीए यानी पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस फार्मूला का भरपूर इस्तेमाल कर रही है और आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए इससे एक मजबूत इक्का समझ रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि जो अलग अलग जातियों पर हर पार्टी अपना फोकस कर रही है? पूर्वांचल में किसी की निगाहें लगी हैं तो पश्चिमी बेल्ट की ओर अपना खूंटा मजबूत करने की राह बन रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे की जातियों को लेकर भी काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। यादव हो, कुर्मी हो या फिर चाहे लोधी, इन जातियों की संख्या ऐसी मानी जाती है जो चुनावी माहौल में खेल को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, इसलिए भी जात को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। चुनावी व्यवहार को समझने के लिए हर एक इलाके की जाति संरचना भी जानना बहुत जरूरी है। जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी को आगामी चुनाव में धूल चटाने के लिए पीडीए फार्मूला के तहत काम करेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अखिलेश के पीडीए फार्मूला में पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स आते हैं। चुनाव में दूसरी पार्टियों के वोट बैंक को साधने के लिए सपा ने ये फार्मूला फुल प्रूफ प्लान के साथ कर लिया है। जमीनी स्तर पर पीडीए को सफल बनाने के लिए सपा ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में अभी से उतार दिया है। हालांकि यूपी में चुनाव के लिहाज से जातिगत समीकरण को साधना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन यूपी में लोधी समाज की भी काफी अहम भूमिका है। बता दें कि अलीगढ़ के अतरौली से निकलकर कल्याण सिंह ने देश की राजनीति में एक मुकाम हासिल किया था। इस बार कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई थी और वो लोधी समाज से ही आते हैं, तो इसी वजह से भी लोधी समाज का जिक्र काफी ज्यादा हो गया है। बाकी विरोधी दलों की तरह बीजेपी भी ओबीसी समुदाय के लोगों को टारगेट करने में लगी हुई है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यानी 21 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई थी। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने अलीगढ़ में कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। बीजेपी की ओर से कहा गया था कि यूपी में भाजपा को गैर यादव ओबीसी के बीच स्थापित करने में कल्याण सिंह की बड़ी भूमिका मानी जाती है। पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा की ओर से कोशिश लगातार की जा रही है। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़, बुलंदशहर, कासगंज, एटा और आसपास के जिलों के सामाजिक समीकरण को देखेंगे तो लोधी राजपूतों का इलाके में वर्चस्व दिखता है। इस मौके पर अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पीयूष गोयल, राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। इस दौरान अमित शाह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 2014 में जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए था, अब 2024 में यूपी की सभी 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे, यही बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 3% वोट लोधी समाज के हैं। पश्चिमी यूपी के कई जिलों की लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों पर ये वोट निर्णायक भूमिका में है। पूरे यूपी की जनसंख्या में तो लोध समाज की संख्या बहुत कम दिखती है, मगर 23 जिलों में ये चुनाव में जीत हार का कारण बनते हैं। इससे पहले सुबह सपा प्रमुख राजभर को बीजेपी ने अपने साथ लाकर ओबीसी जात का एक हिस्सा अपने खेमे में करने की कोशिश कर ली है।
खैर आगामी लोकसभा चुनाव में पीजीए और जातिगत एंगल खास महत्व रखता है, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ कौन सी जात किस पार्टी के लिए उनके वोट पर चोट बनकर उभरेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24x7 लाइव।